हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर ज्योग्राफी का टेस्ट लगाने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि इसे ज्योग्राफी को भी कंप्लीट करा दीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज ज्योग्राफी को कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि भारत में जननांकीय इतिहास में महाविभाजन वर्ष इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए सही जवाब देना है कि भारत में जननांकीय इतिहास में महाविभाजन का जो वर्ष है इनमें से कौन सा है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर 1921 जो आपका है यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, 1921 आपको लगाना है, 47 नहीं लगाना है। काफी लोग दिमाग ये लगा रहे हैं, महाविभाजन बोल रहे हैं कि आपका भारत और पाकिस्तान अलग हो गया, लेकिन यहां पर जननांकी दिया गया है, जो जनसंख्या का यहां पर महाविभाजन है वो आपके 1951 में आपका हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है। तो चलिए दो चार क्वेश्चन आपके जनगणना से दिए हैं और दो चार क्वेश्चन के बाद यहाँ पर आपकी ज्योग्राफी से हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बताइएगा कि वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर नागालैंड में, क्या नागालैंड में, यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आप काफी लोग जवाब यहाँ पर सी दे रहे हैं, तो देखो यहाँ पर ये नहीं कह रहा है, ये नहीं कह रहा है कि आपका निगेटिव आपका रिजल्ट आया, निगेटिव रिजल्ट आया था वो आपका यहाँ पर कह सकते हैं। यहाँ पर देखो, हाँ यहाँ पर कह सकते हैं जनसंख्या में कमी आई, कमी आपकी नागालैंड में आई थी, लेकिन जो कह सकते हैं सबसे कम जनसंख्या वो सिक्किम में है, ये नहीं, मतलब कह सकते हैं यूपी, यूपी में सबसे ज्यादा है और सिक्किम में सबसे कम है, लेकिन जनसंख्या में जो कमी आई है, कमी देखने को मिली है नागालैंड में। ठीक है ना, तो दोनों पॉइंट आप समझ गए होंगे, कमी नागालैंड में है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है, सबसे ज्यादा आपकी यूपी में है, तीनों पॉइंट आपको साथ में क्लियर हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देख सकते हैं दिया गया है अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व अधिक है। जनसंख्या घनत्व जो आपका है ये सबसे जो आपका अधिक है ये कहाँ का है। चलिए सही जवाब देना है, बिल्कुल फास्ट करेंगे, थोड़ा सा हमें एडजस्ट तो होने दीजिए, बिल्कुल एडजस्ट हो जाएंगे हम, बिल्कुल फास्ट पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा एक मिनट हमको एडजस्ट होने में समय लगता है कि नहीं लगता है। ठीक है, चलिए थ्री का जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा निम्न राज्यों में से किसका जनघनत्व सबसे अधिक है। तो यहाँ पर देखो बिहार तो ऑप्शन में दिया नहीं गया है, बिहार होता तो आप लोग सही कर देते, लेकिन यहाँ पर साथ साथ में क्या दिया गया है, आपका पश्चिम बंगाल दिया गया है, अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जनसंख्या बहुत ज्यादा है और क्षेत्रफल आपका कम है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर पश्चिम बंगाल राइट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है। चलिए आइए, हम लोग ज्योग्राफी में पहुंच चुके हैं, हमने बताया था तीन चार क्वेश्चन ऐसे भी थे जो कि आपकी जनगणना से रिलेटेड थे। जनगणना आप लोग यहाँ पर इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, जनगणना आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है कौन सा, फोर नंबर में, तो सबका जवाब आ गया है, यहाँ पर पूर्वी तटीय मैदान पूछा गया है, और पूर्वी कहाँ पर है, तो ये प्यारा सा आपका यहाँ पर दक्षिण भारत है और ये आपका पूर्वी भारत है ना, पूर्वी आपका तट है, और पूर्वी तट को क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट कहा जाता है, याद रखिएगा ये जो आपका कह सकते हैं कि आपका तट है इसे कोरोमंडल कहते हैं, और ये वाला जो तट होता है पश्चिम वाला ये मालाबार तट होता है, और गुजरात से गोवा के पास जो कर्नाटक तक जाता है वो कोंकण तट होता है। तो इस प्रकार से आपका क्लियर हुआ, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है। भारतीय मानक समय आपको पूछा गया है, आप सभी को याद होगा कि भारतीय मानक समय जो आपका है ये 82.5 जो कि आपके पूर्वी देशांतर है, क्या पूर्वी देशांतर है, यहां पर ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना पॉइंट, क्लियर है ना, ये पूर्वी देशांतर है, ईस्ट मतलब पूर्वी देशांतर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, ये बताइए जो भारतीय आप कह सकते हैं है ना, ये भारतीय उपमहाद्वीप है, ये जो अंग था ये किसका अंग था। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके अफ्रीका में जो कि आपका पिंड टूटा और ये गोंडवाना जो आपका लैंड है इसी से टूटकर आपका ये भारत बना है। कुल मिला के ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो भारतीय उपमहाद्वीप है ये अंग किसका था, तो आपकी गोंडवाना लैंड का था, तो ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। प्रारंभ में जो आप कह सकते हैं भूमि थी, तो इसमें से ये वाला भाग आपका गोंडवाना लैंड था, ऊपर वाला अंगारा लैंड, अंगारा लैंड आपका टूट गया तो आपके एशिया में पहुंच गया, और जो आपका यहाँ पर गोंडवाना लैंड आपका टूटा वो आपके भारत में आ गया है। इसी का कुछ भाग आपके यहाँ पर देख सकते हैं, एक द्वीप भी आपका यहाँ पर दिया है, और ऑस्ट्रेलिया भी आपको निकलकर यहाँ से गया था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो चलिए बताइएगा कि भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है किसके साथ, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान या श्रीलंका। सही जवाब देना है, और आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा,
तो सेवन को ऑप्शन आ रहा है डी नंबर श्रीलंका, तो बिल्कुल जवाब सही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो नहीं लगती है वो आपके श्रीलंका के साथ नहीं लगती है, याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर जो आपके पड़ोसी देश हैं कौन कौन, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं, स्थलीय सीमा, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं, तो चलिए बताइएगा कि पाल्क स्टेट से जुड़ा हुआ इनमें से कौन है। पाल्क स्टेट की बात करते हैं तो आप लोग जानते होंगे पाक जलडमरू मध्य, क्या बोलते हैं, पाक जलडमरू मध्य बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिया गया है भारत और श्रीलंका, तो याद रखिए भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है, तो पाक स्टेट आपका है जिसे पाक जलडमरू मध्य कहते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर गॉडविन ऑस्टिन है क्या, चलिए बताइए गॉडविन ऑस्टिन क्या है, यहाँ पर नाइन का जवाब देना है गॉडविन ऑस्टिन क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने बताया गॉडविन ऑस्टिन क्या है, एक आपको K2 जो कि आपको देख सकते हैं सबसे ऊंचा शिखर है, है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये क्या है आपका शिखर है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, तो आपका शिखर। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में सबसे ऊंची चोटी कौन है तो आपकी कंचनजंगा हो जाएगा, तो दोनों पॉइंट को एक साथ ही बताते हैं कि अगर वर्तमान में पूछ ले तो कंचनजंगा लगाना है, और ऐसे नॉर्मल अगर पूछे तो आपको सिंपल से K2 आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। आपका आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बृहत अर्थात ग्रेट हिमालय का दूसरा नाम क्या है, ये बताइए बृहत्तर हिमालय या ग्रेट हिमालय का एक अन्य नाम क्या है जिसे हम लोग जानते हैं, तो चलिए यहां पर देखते हैं कितने लोग सही देने वाले हैं, बताइएगा ग्रेट हिमालय का दूसरा नाम इनमें से क्या है, या बृहत हिमालय को और हम लोग किस नाम से जानते हैं, ऑप्शन आ रहा है बी नंबर बी नंबर बी नंबर, शाबाश, बहुत अच्छे, और ऐसे ही आप लोग यहां पर कह सकते हैं नाम रोशन करेंगे, है ना। देखो यहां पर आपसे दिया गया है क्या, यहां पर जो ऑप्शन आपका है यहां पर हिमाद्री, अब यहां पर ये सहाद्री क्यों लगा रहे हैं, याद रखिए जो आपका यहां पर कह सकते हैं जो आपका भारत है दक्षिण भारत में, यहाँ पर जो पश्चिमी घाट है पश्चिमी घाट ये जो आपका होता है सहाद्री होता है, सहाद्री होता है, ठीक है, लेकिन ये जो आपका पूर्वी घाट है इसे हम लोग हिमाद्री बोलते हैं, क्या हिमाद्री। अब याद रखिए जो आपका हिमालय है कहीं ना कहीं जो आपका ये वाला भाग है अंडमान निकोबार वाला है ये जो आपका हिमालय का ही भाग है, ये द्वीप है ना, ये पानी में डूबा हुआ हिमालय का भाग है, तो याद रखिए ये वाला भाग हिमाद्री कहलाते हैं, तो आपका ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर हिमाद्री होता है, क्लियर है। तो इसका जवाब क्या लगाना है, यहाँ पर हिमाद्री लगाना है, और जो पश्चिमी घाट होता है उसे हम लोग सहाद्री कहते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। इतना आराम से बता रहे हैं तो आप लोग समझते चलेगा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बातों में गलतियां हो सकती हैं। एक क्वेश्चन दिया है बलतोड़ा हिमनद स्थित है, बलतोड़ा हिमनद जो स्थित है ये कहां पर स्थित है, कहां पर मिलेगा, यहां पर 12 का जवाब देना है, याद रखिए काराकोरम पर्वतमाला है, काराकोरम जो पर्वतमाला है उसी में स्थित है बलतोड़ा हिमनद, ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। यहां पर दो तीन आपके हिमनद हैं, जैसे आपका बियापो, ठीक है, क्या मिलता है, एक मिलता है बियापो हिमनद, और एक मिलता है आपके यहाँ पर सियाचिन, और एक आपका हिस्पार, ठीक है, क्या हिस्पार, ये भी कहाँ मिलते हैं, तो आपके यहीं पर आपको मिलते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि में है, तो भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि में है, यहाँ पर 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिए 13 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, और काफी लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर, तो याद रखिए ए नंबर आपका हो जाएगा 21.67%, ये आपका क्या है वन भूमि है, क्या है वन भूमि है। अभी यहाँ पर आपकी एक रिपोर्ट आई थी 2019 में, ठीक है, 2019 में रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार कितना है, 21.67% ये आपका है। अगर वन के साथ साथ यहाँ पर और भी चीजें होती हैं जो वृक्षावरण होता है उसको भी शामिल कर लेते हैं तब ये लगभग 24% आपका पहुंच जाता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर दिया गया है कि भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है वो आपका कौन सा है, चलिए जवाब देना है कि भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर जो स्थित नगर है वो कौन सा है 14 नंबर में, तो 14 का ऑप्शन यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो आपका जवाब आ रहा है बी नंबर देवप्रयाग, बिल्कुल सही है। याद रखिए भागीरथी और अलकनंदा पर स्थित जो आपका संगम है वो आपका देवप्रयाग पर है, अर्थात देवप्रयाग में ही ये आपको मिलती है, और यहीं से यह गंगा नदी के नाम से जानी जाती है, अर्थात देवप्रयाग के बाद जब निकलती है तब इसे गंगा नदी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर दिया गया है कि दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं, दो नदियों के बीच अर्थात ये कोई एक नदी है एक दूसरी ये नदी है इसके बीच का जो आपका एरिया है इसे क्या बोलते हैं, तो दोआब बोलते हैं, क्या दोआब, और ये क्या होता है हमेशा बाढ़ के कारण क्या होता है एक प्रकार से उपजाऊ क्षेत्र होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, यह निम्न में से किस खदान के लिए
प्रसिद्ध है। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है आपका, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा 16 नंबर में, 16 को ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, याद रखिएगा हीरा। क्या? तो यहाँ पर जो आपकी हीरा है, याद रखिए हीरा के लिए प्रसिद्ध है जो आपका पन्ना है, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आ गया पश्चिम बंगाल में रानीगंज का जो संबंध है ये किससे है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का जो संबंध है ये किससे है बताइएगा। याद रखिए यहाँ पर एक कोयला क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर कोयला क्षेत्र है जिसके लिए ये जाना जाता है, रानीगंज है, और वहां पर आपका एक बीरभूम जिला है, एक वर्धमान जिला है, तो ये जाना जाता है कोयला क्षेत्र के लिए, ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर विश्व के भूगोल में देखते हैं, यहाँ पर आपका आ गया है क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत थी। तो चलिए बताइएगा, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही अवतार मतलब बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है और आपका इनमें से सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन ए नंबर, याद रखिएगा 17.5%, कितना 17.5% ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है। तो चलिए बताइएगा, लोकप्रिय नाम आपसे पूछा गया है माउंट एवरेस्ट का, आप लोग जानते होंगे कि नेपाल में इसे जाना जाता है क्या, सागर माथा बोला जाता है, सागर माथा, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है, जो कि देख सकते हैं यहां पर पर्वत श्रृंखला दिया गया है और आपका महाद्वीप दिया गया है, कौन सी पर्वत श्रृंखला कहां पर है, तो आप लोग जानते हैं कि हिमालय कहां पर है, तो आपके एशिया में है, हिमालय कहां पर है आपके एशिया में है, एंडीज कहां पर है तो आपके दक्षिण अमेरिका में है, कहां पर है तो दक्षिण अमेरिका में है, रॉकी पर्वत कहां पर है तो आपके उत्तरी अमेरिका में है, तो इसका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है निम्न रेगिस्तानों की उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग से यहां पर आपको करना है, तो चलिए बताइए कौन सा रेगिस्तान कहां पर पड़ता है। देखो कालाहारी ये आपके अफ्रीका में है, कहां पर है अफ्रीका में है, कालाहारी अफ्रीका में, याद रखिएगा कि अफ्रीका के लोग क्या होते हैं काले होते हैं, तो इससे आपको यहां पर याद रहेगा अफ्रीका। अटाकामा कहां पर है, तो आपके अटाकामा कहां पड़ता है आपके चिली में, और चिली तो दिया नहीं है, चिली कहां पड़ता है तो आपके दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, तो इस प्रकार से अटाकामा क्या हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में कहां पर तो आपके चिली में है। थार का कहां पर है, तो आप जानते हैं कि थार मरुस्थल आपके भारत में है अर्थात एशिया में कहेंगे, तो इसका आपका 4 हो जाएगा, इसका हुआ था 1 हुआ था। और ग्रेट विक्टोरिया जो आपका है ये कहां है, तो आपके ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा ग्रेट विक्टोरिया जो आपका मरुस्थल है वो आपके कहां पर है तो आपके ऑस्ट्रेलिया में है, तो आपका ऑप्शन क्या बन गया 3142, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश वर्मा के नाम से भी जाना जाता है, भारत का पड़ोसी देश को बताना है कि कौन वर्मा के नाम से जाना जाता है। चलिए 55 का जवाब देना है, क्या हो जाएगा यहां पर ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर म्यांमार हो जाएगा, क्या म्यांमार है इसे हम लोग वर्मा के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है, रूपांतरित चट्टान नहीं है, रूपांतरित चट्टान को हम लोग कायंत्रित चट्टान भी कहते हैं, है ना। तो यहां पर देखिएगा जो आपकी स्लेट है ईस्ट है और फाइलाइट है ये तो आपकी होती है रूपांतरित काय मतलब, लेकिन जो आपका डायोराइट है ना डायोराइट ये एक प्रकार से देखा जाए अग्नेय रूप में आपका होता है, अर्थात जो ऑप्शन सी दिया है डायोराइट ये कह सकते हैं कि आपका यहां पर रूपांतरित चट्टान आपकी नहीं होती है, क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आ गया क्वेश्चन कि ऑब्सीडियन कमा एंडेसाइट और गैब्रो और आपका पेरोडाइट ये क्या है, कुल मिला के यहाँ पर जो आपके दिए गए हैं ये भी क्या है सैल है, ठीक है ना, जो कि देखा जाए ये आपकी होती हैं बहिर्वेधी चट्टान, क्या होती हैं बहिर्वेधी चट्टान आपकी होती हैं, और ये सभी कैसी होती हैं बाहर कौन आती हैं, अगर देखा जाए ज्वालामुखी में अगर ये बाहर जो आती हैं वो कौन होती हैं अग्नि होती हैं, तो ये जो जितनी भी चट्टाने दिए हैं ये सब अग्नि चट्टानों के क्या है उदाहरण है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है, तो ये बताइए अमेजन नदी जो बहती है वो कहां से बहती है, आप सभी को पता होना चाहिए अमेजन नदी कहां से है, तो आपका जवाब आ रहा है सी नंबर, यहां पर याद रखिए दक्षिण अमेरिका के ब्राजील के जंगलों से होकर ये बहती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। मुख्य रूप से देखा जाए तो ये आपके कहां पर, तो आपके जो आपकी ब्राजील है यहां से आपकी निकलती है मतलब बहती है, ये आती कहां से है तो इंडीज पर्वतमाला से निकलती है और आपके अटलांटिक महासागर में, किसमें अटलांटिक महासागर में जाकर ये मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी हो जाएगी, यूरोप की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है, तो याद रखिए बोल्गा नदी, कौन सी है ये बोल्गा नदी है जो कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। वहीं पर ये जो आपकी बोल्गा है इसकी लंबाई जो आपकी है वो करीब है आपकी 3692, कितनी है 3692 है, लेकिन दूसरी आपके डेन्यूब, डेन्यूब की लंबाई है 2860 किलोमीटर है, ठीक है ना, तो याद रखिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है
निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है, भूमध्य रेखा को दो बार काटती है, इनमें से आपकी कौन सी नदी है। आप सभी लोग जानते होंगे कि भूमध्य रेखा को काटने वाली ये नदी है कांगो नदी। कौन सी है? कांगो नदी, जो कि आपकी अफ्रीका में, कहाँ पर? तो आपकी अफ्रीका महाद्वीप में आपकी है। वहीं पर एक आपका होता है और कौन सी? लिम्पोपे नदी। कौन सी? लिम्पोपे नदी। लिम्पोपे नदी जो आपकी है वो किसे काटती है? दो बार। तो याद रखिए, लिम्पोपे नदी काटती है आपकी मकर रेखा को। किसे? मकर रेखा को दो बार काटती है। मकर रेखा को काटती है लिम्पोपे नदी, और भूमध्य रेखा को काटती है यहाँ पर कांगो नदी, और एक आपके यहाँ पर कर्क रेखा है, कर्क रेखा को दो बार काटती है भारत में माही नदी। तो ये तीनों नदियां आपको याद रखिएगा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा को काटती हैं, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वन आच्छादन के कम होने का कारण क्या है, वन आच्छादन के कम होने का कारण क्या है। तो ये जितनी ज्यादा आबादी बढ़ेगी तो इनको जरूरतें ज्यादा पड़ेंगी, कॉपी किताब और भी प्रकार के सामान, है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका हो जाएगा, बढ़ती हुई आबादी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में धातु कौन सी है, पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में जो आपकी धातु है वो आपकी कौन सी है। आप सभी लोग जानते होंगे इन ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, आपके एल्युमिनियम है, क्योंकि पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाली क्या है, एक धातु है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आ गया श्वेत कोयला। श्वेत कोयला जो आपका है ये क्या होता है, श्वेत कोयला किसे कहते हैं? चलिए यहाँ पर याद रखिएगा, श्वेत कोयला, याद रखिए, श्वेत कोयला कहा जाता है जल विद्युत को। क्या कहते हैं? तो आपकी जल विद्युत को कहा जाता है यहाँ पर श्वेत कोयला कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसी के कारण आपको पता होगा कि इससे क्या होता है कि जल प्रदूषण आपका नहीं होता है, ठीक है, इससे जल प्रदूषण नहीं होता है जो कि आपके जल विद्युत है, इसे श्वेत कोयला कहते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का कहलाती है। यहां पर देखो दिया गया है कि तापमान दिया है, आर्द्रता है, वर्षा है, वायु है, वेग है, ये सभी जो आपकी होती हैं इनके स्थान को हम कहते क्या हैं। तो यहां पर जवाब बनेगा कौन सा, तो 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, यहां पर मौसम, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, जो आपका मौसम है यही तो हो जाएगा, तो ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखो अगला क्वेश्चन दिया है कि तटीय क्षेत्रों के निकट के कारण दिन के समय भूमि पर तापमान कम हो जाता है, ये बताइएगा कि जो तटीय क्षेत्रों के निकट हैं यहाँ पर किसकी वजह से यहाँ पर जो तापमान होता है वो आपका कम हो जाता है। याद रखिएगा, ये समुद्री जो समीर है ना, समुद्र की जो आपकी हवाएं चलती हैं, समुद्री समीर की वजह से जो तटीय क्षेत्र के निकट भी आपका क्षेत्र बसा है उनमें से भूमि का जो तापमान होता है वो कम हो जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, समुद्र की समीर की वजह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। चलिए बताइएगा, यहाँ पर जिले की बात किया गया है तो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल आपको मिलेगा, घुमाव वाले क्वेश्चन मिलेंगे, तो जल्दी से बताइएगा कि कौन सा जिला भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर आपका स्थित है। यहाँ पर याद रखिए किन्नौर जिला है, कौन है, तो किन्नौर जिला है, याद रखिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा, किन्नौर है, किन्नौर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं, भारत की जो सीमाएं हैं वो कितने देशों के साथ लगती है। तो आपने पढ़ा होगा स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ मिलती है, कितनी? स्थलीय सीमा आपके यहाँ पर 7 देशों के साथ मिलती है, तो ऑप्शन सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस राज्य में कर्क रेखा, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है, कुमला के कर्क रेखा के सबसे निकट जो आपका कह सकते हैं शहर है वो आपका कौन सा है। तो याद रखिए 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका त्रिपुरा है, ठीक है, त्रिपुरा जो आपका है ये कर्क रेखा से सबसे आपके निकट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत की श्रृंखला में स्थित आपकी नहीं है, कौन सी घाटी है जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है, यहां पर जवाब देना है। 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 का ऑप्शन यहां पर आ रहा है अराकू घाटी, कौन सी है, ये आपकी अराकू घाटी है, जो कि याद रखिए इसमें से आपकी शामिल नहीं है। वहीं पर जो आपकी कारेवास है, भागीरथी है, काठमांडू, ये आपकी इसमें से शामिल है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला में है, तो चलिए यहां पर जवाब देना है, आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, 5 नंबर में। चलिए 5 का ऑप्शन देना है, यहां पर सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए 5 नंबर में। तो चलिए याद रखिएगा, लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला, यहाँ पर जो पीर पंजाल है, कौन है, जो आपकी पीर पंजाल पर्वतमाला है, ये कह सकते हैं लघु हिमालय की पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित स्थानों में से किसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है, एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जानते हैं, किसे जानते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन दिया गया है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, और यहाँ पर दिया गया है मालदीव, दमन और द्वीप, कौन सा जवाब बनेगा। तो यहां पर याद रखिएगा ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर बन जाएगा कौन सा, ए नंबर आपका जवाब आ रहा है, तो याद रखिएगा 6 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहां पर आपका
अंडमान निकोबार आपका हो जाएगा बी नंबर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कौन सा जलकाय अंडमान निको कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला इनमें से कौन सा है। तो याद रखिए 10 डिग्री चैनल, कौन 10 डिग्री चैनल है, याद रखिए 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान द्वीपों को निकोबार के द्वीपों से क्या करता है, अलग करता है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, यहाँ पर आपका जवाब देना है श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो चलिए जवाब देना है यहाँ पर 8 नंबर में, तो जल्दी से जवाब दीजिए। 8 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर, बी नंबर आपकी झेलम नदी किनारे, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर यहां पर झेलम नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि ढलाई और आपका ऊनाकोटी राज्य के जिले हैं। देखिए दो जिले आपके सामने दिए गए हैं, ढलाई और आपका ऊनाकोटी, ये किस आपके राज्य के हैं। हमने यहां पर क्वेश्चन देखो लिए हैं एक्सपेक्टेड, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। इसके पहले हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए भी हैं, और भी आपकी सीरीज इतनी लंबी है कि हर प्रकार के क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देंगे। तो यहां पर देखिए ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहां पर सी हो जाएगा, ये त्रिपुरा के हैं, याद रखिएगा ये त्रिपुरा के आपके जिले हैं, ढलाई और आपका ऊनाकोटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के मध्य से गुजरता है, इनमें से कौन सा राज्य 5 राज्यों में से नहीं है। तो देखते हैं यहां पर 10 नंबर का जवाब आप लोग दे पाते हैं या नहीं है। देखो हमने बताया था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ यहां से गुजरती है, लेकिन आपके बिहार से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा, बिहार से नहीं गुजरता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है, उत्तर पिनाकिनी नदी के नाम से जानी वाली ये आपकी नदी कौन सी है, नोट करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ये आपकी पेन्नार नदी है, कौन सी है, पेन्नार नदी है, इसे उत्तर पिनाकिनी नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी आपकी कौन सी है। अब ये पश्चिम की ओर बात कर रहा है ना, पश्चिम की ओर बात कर रहा है और भी दूसरे नंबर की बोल रहा है, तो जवाब क्या बनेगा। तो सबसे पहले बात होती है, पहली कौन सी है, तो आपकी नर्मदा नदी, नर्मदा के बाद कौन सी आती है, तापी नदी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा कि जो आपकी तापी नदी है ये अरब सागर में बहने वाली या पश्चिम की ओर जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, क्योंकि मुल्ताई पहाड़ी से आपकी निकलती है। आगे बढ़ते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है, बताइएगा कौन सी नदी है जो थार रेगिस्तान से होकर बहती है। 13 का ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा, 13 का ऑप्शन क्या बनेगा, याद रखिए लूनी नदी है ना, लूनी नदी जो कि आपके राजस्थान में थार के रेगिस्तान से आपकी बहती है, सुखड़ी रावड़ी इसकी सहायक नदियां हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। और ये कहां पर जाती है, गुजरात के गुजरात के याद रखिए गुजरात के कच्छ में जाकर ये विलीन हो जाती है, याद रखिएगा। इसे अंतःस्थली नदी भी कहते हैं, इसे लवणी नदी के नाम से भी कहते हैं, तो कई नामों से जाना जाता है लूनी नदी को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पश्चिमी विक्षोभ जिसके कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है, इसकी उत्पत्ति का स्थल बताइएगा, अर्थात जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण आपके यहाँ पर बारिश होती है, जैसे सर्दियों में बारिश हो गई, ये जो आपका आता है मानसून कहां से आता है, 14 नंबर में, याद रखिएगा कि आपके भूमध्य सागर से, कहां पर, तो आपके भूमध्य सागर से मानसून आता है और आपके उत्तर पश्चिम भारत में बारिश करता है। सबसे ज्यादा बारिश होती है आपके कहां पर, तो आपके तमिलनाडु क्षेत्र पर, कहां पर, तो तमिलनाडु क्षेत्र पर बारिश होती है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा, क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है मैग्नेटाइट, जो आपका सूत्र पूछा गया है कि मैग्नेटाइट जो सूत्र होता है ये किसका होता है, अर्थात इसका मैग्नेटाइट का सूत्र बताइएगा क्या हो जाएगा। ये होता है Fe3O4, ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर भी हो जाएगा, मैग्नेटाइट का सूत्र होता है Fe3O4, ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, ठीक है। जो लोग भाई वीडियो जुड़े हुए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा कि नहीं हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है और आप लोग भी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। लगातार हम आपके लिए बोलते हैं तो इतना तो फर्ज बनता है, तो लाइक शेयर आप लोग भी साथ में करते जाइएगा, ठीक है ना। किसी के अगर आपको जुनून बनाना है, किसी के अंदर जुनून लाना है, तो थोड़ा सा आप लोगों को मदद जरूर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन पर आपको चेपारा झरना और पोथ मेडो व्यू पॉइंट और आदुककाद झरना मिलेंगे। यहाँ पर देखिए एक जगह दी गई है, एक हिल स्टेशन है, ये कहाँ का हिल स्टेशन है, तो आपका है मुन्नार, ठीक है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर ए नंबर आपका बनेगा, मुन्नार में है, याद रखिए मुन्नार हिल स्टेशन में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला है बालतोड़ा हिमनद स्थित है, तो अभी अभी हमने बताया था बालतोड़ा हिमनद कहाँ पर है, तो आपकी काराकोरम पर्वत में है, ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सी पर्वत चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरस्थ बिंदु पर आपकी है, चलिए बताइएगा कि कौन सी पर्वत चोटी
चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु में है, तो यहाँ पर बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो याद रखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है ये आपका बी है, माउंट चिम्बाराजो। क्या है ये क्वेश्चन आपके देखो पूछे गए हैं, ये माउंट चिम्बाराजो है जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। इसी भाषा में क्वेश्चन आया था और उसी के अनुसार क्वेश्चन का जवाब भी आपका है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा गैर एशियाई उच्च पर्वत शिखर है, गैर एशियाई उच्च पर्वत शिखर है, यहां पर जवाब देना है। सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए यहां पर सही जवाब देना है, यहां पर सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए गैर एशियाई दिया गया है और गैर एशियाई में क्या बनेगा, तो यहां पर देखिएगा कि किलिमंजारो ये आपके दिया है और आपके यहां पर कह सकते हैं पर्वत शिखर है, एल्ब्रुस पर्वत है, मैकिनले पर्वत दिया है और आपका एकांक एकांक गुआ दिया गया है ना, तो ऑप्शन क्या बना है यहां पर, ऑप्शन बना है डी नंबर। यहां पर कह रहा है गैर एशियाई उच्चतम पर्वत शिखर है तो एकांक गुआ दिया गया, एकांक गुआ ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर किलिमंजारो पर्वत भी जो आपका है वो भी तो आपके अफ्रीका में है, वो भी अफ्रीका महाद्वीप का है। इस क्वेश्चन में देखिए किलिमंजारो पर्वत जो कि आपके अफ्रीका में पड़ता है और एकांक गोवा जो आपका है ये आपके अलग अलग के आपके हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर याद रखिएगा कि आपके पास कौन से ऑप्शन है, ए भाई आपको यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा ठीक है, ए नंबर आपको ऐड करना है। लेकिन जो 2016 आया था तो उसने एकांक गोवा को ही यहाँ पर सही किया था ठीक है ना। लेकिन आपको याद है किलिमंजारो कहाँ पड़ता है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो कि एक क्या है ज्वालामुखी है ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, 20 का जवाब देना है। याद रखिएगा कि जो 2015, 16, 17, 18, 19, 20 में ज्योग्राफी में यूपी डब्ल्यूएससी का लेवल रहा है वो यही रहा है, मतलब कठिन स्तर के क्वेश्चन आपके रहे हैं, ऐसे नए नए क्वेश्चन देखने को मिले हैं जो कि ज्योग्राफी में आपके रहे हैं, तो उन क्वेश्चन का अगर हम रिविजन करवा देंगे तो हो सकता है कि आपका यहाँ पर उद्धार भी हो जाए। तो याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, ये तनामी रेगिस्तान कहाँ है तो आपके ऑस्ट्रेलिया में है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहाँ पर है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप इनमें से कौन सा है, चलिए बताइएगा बोर्नियो है या कौन सा बनेगा, आप सभी का जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी हो जाएगा ग्रीनलैंड, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है याद रखिएगा ठीक है ना। और आपके हिंद महासागर में तो आपका बोर्नियो है, मतलब एशिया में जो आपका है वो आपका बोर्नियो पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है ग्रेनेडा स्थित है, ग्रेनेडा स्थित है ये कहां पर है, कौन से सागर में है, यहां पर जवाब देना है 22 नंबर में, 22 क्वेश्चन हो जाएगा, ये कैरेबियाई सागर में है ठीक है, क्या है कैरेबियाई सागर पड़ता है जो ग्रेनेडा है, ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भूवैज्ञानिक युग दक्षिणी भारत से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है कि कौन सा भूवैज्ञानिक युग दक्षिणी भारत से बिल्कुल सभी संबंधित नहीं है, 23 नंबर में, तो यहाँ पर 23 को ऑप्शन जो बनेगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए आपने पढ़ा होगा एजोइक, सिनोजोइक, पेलियोजोइक पढ़ा है, लेकिन यहाँ जो फेनरोजोइक दिया है ये आपने नहीं पढ़ा है ठीक है ना, तो ये वैज्ञानिक युग के हिसाब से दक्षिण भारत से बिल्कुल संबंधित नहीं है, फेनरोजोइक ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, यहाँ पर जवाब देना है, आप सभी का जवाब बिल्कुल से सही आना चाहिए क्योंकि इस क्वेश्चन को आप सभी ने पढ़ा भी है। तो चलिए 24 का जवाब यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं, ऑप्शन आ रहा है अमेजन बेसिन, बिल्कुल सही है, याद देखिए अमेजन बेसिन में आपकी बहुत ही ज़्यादा वर्षा होती है, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर। याद रखिए भूमध्य रेखा के सबसे पास होने के कारण यहाँ पर दिन का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वाष्पन क्रिया होती है और लगभग 4 बजे यहाँ पर डेली बारिश होती है, याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है निम्बस किस मेघ को दर्शाता है, यहां पर देखिए दिया गया निम्बस निम्बस किस मेघ को दर्शाता है, यहाँ पर 25 नंबर में, याद रखिए ऑप्शन हो जाएगा सी, जो वर्षा वाले मेघ होते हैं, वर्षा वाले जो मेघ होते हैं उनको हम लोग निम्बस मेघ कहते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर निम्बस मेघ हो जाएगा वर्षा मेघ ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व अधिकतम है, तो चलिए बताइएगा कि जनसंख्या घनत्व जो आपका अधिकतम है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा यहाँ पर 26 नंबर में आप देख सकते हैं कि जैसे कि अभी हमने एक क्वेश्चन आपको बताया था कि जब बिहार आपको नहीं है तो पश्चिम बंगाल तो आपको दिया गया है, तो यहां पर याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है भागीरथी और अलकनंदा संगम पर स्थित हैं, तो ये कहां पर स्थित हैं, आपका जवाब क्या हो जाएगा बी नंबर, आपके देवप्रयाग में है, कहां पर है देवप्रयाग में है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, तो 28 का ऑप्शन अभी हमने आपको बताया कि जो एल्युमिनियम धातु है ये क्रस्ट में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली आपकी धातु है ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि श्वेत कोयला किसे कहते हैं,
तो देखिए क्वेश्चन आपके रिवीजन मिलने लगे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं श्वेत कोला किसे कहते हैं, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर जल विद्युत को कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी प्रदूषण आपका नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थितियां उस स्थान पर कहलाती हैं, तो क्या कहलाती हैं, यहाँ पर मौसम कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, यहाँ पर मौसम आपका हो जाएगा। या देखिए तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि सब सब होती हैं, इनको क्या कहते हैं, मौसम कहा जाता है। याद रखिएगा आप लोग परिस्थिति की मत लगा दीजिएगा, है ना, यहाँ पर प्रतिदिन की जो आपकी है वो मौसम आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि तटीय क्षेत्रों के निकट के कारण दिन के समय भूमि पर तापमान कम हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं किसकी वजह से, समुद्री समीर की, समीर जो आपके समुद्री जो समीर होती हैं उसकी वजह से तटीय क्षेत्र में क्या हो जाता है, तापमान कम हो जाता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीट क्वेश्चन आपके इनको हम पढ़ा देते हैं, लेकिन एक ही दो क्वेश्चन आपके यहाँ पर रिपीट हुए हैं। चलिए क्वेश्चन आपका आ गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर दिया है एवंत सयोधर, ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पर याद रखिए ये कच्छ की खाड़ी में है, ठीक है, कच्छ की खाड़ी यहाँ पर आपका थ्री हो जाएगा। पीरम की बात करते हैं, पीरम, ये पीरम जो आपका है ये कहाँ पड़ता है, तो आपको याद रखिएगा पीरम आपका है आपके खंभात की खाड़ी, यहाँ पर खंभात की खाड़ी इसका फोर हो जाएगा। द्वारका कहाँ पर है, तो आप लोग द्वारका तो जानते होंगे, ये कहाँ मिलता है, तो आपके अरब के सागर पे मिलता है, ठीक है, अरब के सागर में, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर टू हो जाएगा। और जो आपका दिया है दीव, दीव कहाँ पड़ता है, तो कठियावाड़ा तट पर स्थित है, कठियावाड़ तट पर आपका है दीव, तो इसका वन हो जाएगा। तीन चार दो एक, तीन चार दो एक, तीन चार दो एक, ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए कुछ आपके यहाँ पर क्षेत्र दिए हैं और कहाँ से संबंधित हैं, कुल मिला के यहाँ पर जिला भी दिया गया है, कह रहा है कोयली, कह रहा आपसे गुजरात में है, चलिए कोयली जो आपके गुजरात में है सही दिया गया है। नागीपट्टनम दिया है आंध्र प्रदेश में, तो याद रखिए नाम से तो लग रहा है आंध्र प्रदेश में है, लेकिन याद रखिए नागीपट्टनम आपके आंध्र प्रदेश में नहीं है, यह आपके तमिलनाडु का एक जिला है, क्या है, तो आपके तमिलनाडु का क्या है, एक जिला है, याद रखिएगा तमिलनाडु का जिला है जो नागीपट्टनम है, तो इसका जो आपका सुमेलित नहीं था वो आपका बी नंबर आपका सुमेलित नहीं था। वहीं पर जो आपका नुमालीगढ़ है वो आपके असम में है, मनाली कहां पड़ता है, तो आपके हिमाचल प्रदेश में है, तो आपका बी नंबर ये सुमेलित नहीं था, ये तमिलनाडु में पड़ता है, याद रखिएगा एक जिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है, यहां पर जवाब देना है, सही जवाब यहां पर देना है, सही जवाब इनमें से यहां पर क्या हो जाएगा, चलिए यहां पर 34 नंबर में, 34 नंबर में यहां पर जवाब देना है सही क्या हो जाएगा, यहां पर जवाब देना है सही क्या हो जाएगा। चलिए देखो हरिकोटा आपके आंध्र प्रदेश में है, है ना, हरिकोटा आपके आंध्र प्रदेश में है, ये तो आपका सही दिया गया है। थुम्बा कहां पड़ता है, थुम्बा आपके यहां पर केरल में पड़ता है, ये भी सही दिया है। भाभा एटॉमिक रिसर्च जो आपको दिया गया सेंटर वो कहां पड़ता है, तो याद रखिए यहां पर आपका क्या हो जाएगा, कर्नाटक में, यहां पर याद रखिए कर्नाटक में नहीं पड़ता है, ये मुंबई में पड़ता है, मुंबई में, मुंबई में कहां पर, तो आपके महाराष्ट्र में, ठीक है, मुंबई के महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, इनमें से आपको जवाब देना है, सही जवाब पर सही क्या हो जाएगा, सही जवाब देना है यहां पर, सही जवाब क्या हो जाएगा, चलिए यहां पर देना है सही जवाब। चलिए राजधानी क्षेत्र में देखो कौन सा, तो देखो हरियाणा का कुछ क्षेत्र है, राजस्थान का भी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का भी आपका क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं इसमें शामिल है, लेकिन पंजाब का भाग इसमें से शामिल नहीं है। यहां पर याद रखिएगा आपका जवाब जो बन जाएगा कौन सा हो जाएगा, बी नंबर आपका जवाब यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है कि कौन सा देश सर्वाधिक मरकरी उत्पादन करता है, मरकरी उत्पादन करता है, यहां पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 36 नंबर में, 36 का ऑप्शन यहां पर जवाब आ रहा है, यहां पर मैक्सिको, याद रखिएगा ये आपका मैक्सिको करता है, कौन, मैक्सिको, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि ग्रीनविच मीन टाइम ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है और किसी भी देश में समय जीएमटी के आगे या पीछे देश के घंटों की संख्या को मापने का समय है। ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है, कुल मिला के ये ग्रीनविच के बारे में पूरा डिटेल दे दिया है क्या, ये भी बता दिया है। अब ये पूछा है किस शहर में है, तो ये बताइए ग्रीनविच शहर कहां पर है, तो आपको याद होगा लंदन में है, कहां से है, तो आपके लंदन में है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। यहां से भारत जो आपका है जो कहा जाता है ना कितने घंटे, तो आपके 5.5 घंटे आगे चलता है, है ना, तो याद रखिए वो भी प्लस में, है ना, क्या होता है, प्लस में होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शुष्क हवा सांता आना कहां बहती है, एक हवा दी गई है शुष्क हवा, ये जो शुष्क हवा नाम है क्या सांता आना, ये बहती है कहां पर बहती है, याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 38 नंबर में डी हो जाएगा, ये आपकी कैलिफोर्निया में है, कहां पर, एक कैलिफोर्निया में बहती है जो शुष्क हवा सांता आना आपका दिया गया है, सांता आना, ठीक है, कहां पर, तो आपके कह सकते हैं कैलिफोर्निया में बहती, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हवाई ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हवाई ज्वालामुखी, ये जो उदाहरण है किसका उदाहरण है, 39 नंबर में,
याद रखिएगा ये जो आपका है आपके ढाई मतलब ढाल ज्वालामुखी, यहाँ पर याद रखिए हवाई ज्वालामुखी जो कि आपके अमेरिका के अधिकार में है, ये उदाहरण है आपके ढाल ज्वालामुखी। अब ये सोचते हैं ढाल क्या होता है, तो ढाल को हम लोग बोल देते हैं एक शील्ड, क्या ढाल को बोल देते हैं शील्ड ज्वालामुखी। अब आपके दिमाग में आया शील्ड क्या होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पर ढाल का नाम सुनेंगे तो आपने सुना होगा योद्धा का ढाल, है ना। जैसे क्या होता है योद्धाएं होती है उनकी तलवार होती है, तलवार में क्या होती है ढाल होती है, कुल मिलाकर उसका जो एक आकार बन जाता है उस तलवार में देखेंगे बीच में इस प्रकार से बना होता है, तो इसी प्रकार से इसका एक आकार बन जाता है योद्धाओं के तलवार के ढाल के समान, उसी को बोलते हैं ढाल या बोलते हैं शील्ड। याद रखिएगा ये ढाल ज्वालामुखी का उदाहरण होता है, देखने में ऐसा लगता है जैसे कि ये योद्धाओं की तलवार है, ठीक है ना, इसका आकार ऐसा बना होता है, इसका बाहु क्षेत्र ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि दुनिया को समय जोनों में समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है, तो यहाँ पर टाइम जोन पूछा गया है, जो टाइम जोन है वो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपकी कुल संख्या पूछा गया कितने हैं। तो याद रखिए भारत को 24 टाइम जोनों में बांटा गया है, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा कि आपके यहाँ पर 24 टाइम जोन में बांटा गया है, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट। आज की क्लास ये रखते हैं, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद। चलिए लाइक शेयर भी करिए।